क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने घर में लगे एग्जिस्टिंग बैटरी और डीसी लोड को डायरेक्टली सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग सोलर चार्ज कंट्रोलर के महत्व को नहीं समझते, इसलिए या तो वो लोकल सोलर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर लेते हैं या वो अपने सोलर पैनल्स को डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी और 12 वोल्ट के डीसी लोड को 12 वोल्ट के सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि एक सोलर चार्ज कंट्रोलर की क्या जरूरत है। एक 12 वोल्ट सोलर पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 17.5 वोल्ट या उससे भी अधिक जा सकती है। अगर आप अपने बैटरीज को सोलर पैनल के हाई वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी ओवरचार्ज होने लगती है। कांस्टेंट ओवरचार्जिंग की वजह से बैटरी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि बैटरी का पानी सूखने लगता है और कुछ टाइम के बाद आपके बैटरीज पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो 12 वोल्ट डीसी लोड जैसे कि डीसी फैन, एलईडी बल्ब या डीसी टीवी आपने सोलर पैनल से कनेक्ट किए हुए हैं, वो भी सोलर पैनल के हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज के कारण आसानी से खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं सोलर पैनल्स को बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करने से होने वाले दूसरे नुकसान की। रात के समय ऑफ ग्रिड सिस्टम में इंस्टॉल बैटरीज की वोल्टेज सोलर पैनल से ज्यादा हो जाती है। याद रखिए, वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करती है, इसलिए इस कंडीशन में बैटरी से वोल्टेज सोलर पैनल्स की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगी, जिससे कि आपकी चार्ज बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। एक सोलर चार्ज कंट्रोलर इस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने वाले वोल्टेज को रोकती है और ये सुनिश्चित करती है कि वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, यानी कि वोल्टेज सोलर पैनल से बैटरी की तरफ ही फ्लो करे। सोलर चार्ज कंट्रोलर इन सारे प्रॉब्लम से आपके बैटरीज और डीसी लोड को प्रोटेक्टेड रखता है। एक सोलर चार्ज कंट्रोलर कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट से आपके बैटरीज को एफिशिएंटली चार्ज करता है, जिससे कि बैटरीज की लाइफ बढ़ जाती है, साथ ही डीसी लोड भी सेफली रन करता है।